विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो है उसकी महिमा क्या है। देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से और एकादशी तिथि तक, यानी कि आज से प्रारंभ होकर आने वाली एकादशी तिथि तक भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसका उत्सव मनाया जाएगा। इस मंगलकारी यात्रा में भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर निकलते हैं, पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। सनातन परंपरा में मनाए जाने वाले सभी उत्सवों में से श्री जगन्नाथ यात्रा का काफी महत्व माना गया है। इस यात्रा की बहुत महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है ये यात्रा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको मिल जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि जगन्नाथ यात्रा में एक दूसरे को सहयोग देने तथा रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी सीधे सीधे भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। अपने घर तथा रथ यात्रा के मार्ग की साफ सफाई करने से देवी लक्ष्मी की कृपा होती है, रुके हुए धन की प्राप्ति होती है, साथ ही जो आपके मार्ग में आने वाली रुकावट है वह श्री हरि की कृपा से खत्म हो जाती है, रुका हुआ धन आपको मिल जाता है और मन की इच्छा भी बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की कृपा से मनचाहे वरदान की प्राप्ति के साथ ही आपकी समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो कि आज से प्रारंभ हो रही है। अब आपको बताते हैं कि भगवान श्री हरि जगन्नाथ के स्वरूप में आपको कैसे संपन्नता का वरदान देंगे, जरा वो भी समझते हैं। देखिए, आज के दिन भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुख संपत्ति का वरदान आपको मिल सकता है। आपके घर में सुखों की कमी है, सुख आपको मिलेगा। आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, यानी कि सुख समृद्धि ऐश्वर्य और वैभव उनकी कृपा से आपको मिल सकता है। अपने घर की पूर्व दिशा में भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु की एक प्रतिमा या फोटो, एक पीला रेशमी वस्त्र बिछाकर आप आज के दिन स्थापित करें। रोली से, मौली से, धूप दीप, चावल से, पान से और केसर के साथ ही इलायची, सुपारी और जनेऊ, साथ ही शंख, धूप दीप उन्हें अर्पित करना है। पीला मिष्ठान पूजा अर्चना में रखिए। अब एक सफेद चंदन की माला लीजिए या तुलसी की माला ले लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री जगन्नाथाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए या तीन माला यानी कि विषम संख्या में भी आप जाप कर सकते हैं। जाप के बाद भगवान जगन्नाथ की आपको आरती करनी है। आरती खत्म होने पर शंख की ध्वनि करना बिल्कुल ना भूलिए। भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करिए, उन्हें भोग लगाइए और यह जो प्रसाद है सभी लोगों में वितरित कर दीजिए, बांट दीजिए। आज के दिन किया गया ये महा उपाय आपको हर तरीके से लाभ जरूर दिलाएगा।